न्यू ब्लॉग ऑफ वीडियो माय मामा। और वैसे तो क्या कह सकते हैं, पिछली दो वीडियो में मैंने आपको ये रास्ता दिखाया था और अभी आगे को चलेंगे, हम चलते आइए। अरे नीचे आपको थोड़ा नीचे को मिलेगा, क्या गेम डाले थे उसमें? वाला गेमिंग की डालते मैं जब ब्लॉग ब्लॉग की। हेलो गाइस, वेलकम टू द एक इंग्लिश बहुत बोली। अरे गाइस, अभी मैं आपसे कहने वाला था कि गाइस अभी हम जाएंगे प्रीति अंकल के वहाँ और उनसे पूछेंगे वो क्या मतलब क्या क्या चीज़ें उनको पसंद है। तो चलते हैं अभी हम, गो। हेलो गाइस, तो अभी मैं केक खा रहा हूँ तो आपको मेरी आवाज़ में समझ नहीं आई होगी। देखते हैं वो ऑफिस में होंगे गाइस, चलते हैं आगे। तो गाइस ये तो ऑफिस में भी नहीं है, तो सोचो वो कहाँ गए होंगे। ऑफिस में तो नहीं मिले हमको अंकल, ऑफिस में नहीं है अंकल। आगे चलती है किचन में, अंकल कहाँ गए? नीचे होंगे नहीं शायद, वो आज फिर से कहीं घूमने गए। तो मैं चला उनके रूम में देख के आता हूँ। ओह माय गॉड। ओके गाइस, तो अभी हम नीचे को चलते हुए, और गाइस अभी हम नीचे पहुंच चुके हैं गाइस। अभी आपसे मैं आपको प्रीति अंकल मिलवाते हैं। गाइस यहाँ पे तो ताला लगा है, अब क्या कर सकते हैं। उनके रूम में ताला लगा है तो गए होंगे शायद, फिर से गए। और लोगों को बताना होगा गाइस कि वो गायब हो गए, फिर से गायब हो गए। अब हम कुछ नहीं कर सकते गाइस, मिलना बहुत मुश्किल है प्रीति अंकल का। मुझे लग रहा है वो एकदम रियल डायमंड की तरह हो गए, रियल डायमंड्स जितने रियल डायमंड उतने रियल प्रीति अंकल ना, जितने रियल डायमंड उतने रियल प्रीति अंकल, वो तो मिल नहीं रहे वो प्रीति अंकल मिल नहीं रहे, मिसिंग है वो। तो गाइस ऐसी बने रही, अभी हम जाते हैं और उपदेश जी को देख के आए। उपदेश जी में कहीं दिखाई नहीं दिए, तो तुम्हें क्या लगता है उपदेश जी कहाँ गए होंगे? मुझे लगता है इंजेक्शन लगाने गए होंगे और मुझे दिख चुके हैं। हाँ जाइए अपना, ठीक है देख, ठीक है चलता हूँ। आई वो रे उपदेश अंकल, और हेलो उपदेश अंकल, रुकिए रुका। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ गाइस, ये देखिए उपदेश अंकल हमें मिल गए है। और चलो ऑफिस में आओ, अंदर ऑफिस में आओ। हाँ तो गाइस अभी हम इनसे कुछ चीजें पूछने वाले हैं। कैसा गए थे अभी, क्या पसंद है आपको? वैसे भारी ही भारी थे। नहीं है, मैं अभी हम भर्जी के ऑफिस में बैठे हैं। रुको नहीं, पहले आप नहीं अपने रूम में मिले, नहीं ऑफिस में मिले, मैंने आपको ढूंढा। और वैसे आप अभी हम इसको हटाते हैं, आप पहले आप ये बताइए आपको क्या क्या चीजें पसंद है। अरे हम तो बिल्कुल कहीं मिल जाते हैं कभी छुप जाते हैं। अरे बताओ ना क्या क्या चीजें पसंद है आपको। क्या क्या पसंद है? हमको भिंडी पसंद है। अरे मैं सब्जी को हटाओ पहले, कुछ और जैसे कोई ड्रेस, कोई कपड़े, कुछ ऐसे मतलब ड्रेस। हमको
आपको बाजार पसंद है, हाँ समझ गया, आपको इंजेक्शन पसंद है, हम समझ गए समझ गए। कोट पैंट पसंद है आपको? है कोट पैंट? हाँ वो मेरे पास है। है क्या? ठीक है। और आपको आपको उसी साइज का शायद कोट कोट पैंट आना पड़ेगा। हाँ बढ़िया, कोट पैंट टाई टाई हाँ, और शूज भी साथ में होने चाहिए। साथ वाले शूज वो मिलना मुश्किल है। चलते आज से आपसे बहुत बोल लिया, बाय बाय। ओके गाइस, तो प्रीति अंकल से हमने सवाल पूछ लिया और ये मामा अपने बाहर है और अभी हम आगे को थोड़ा टूर देते हैं फिर से। बस यहाँ रास्ता मैंने कुछ दिखाया नहीं होगा, यहाँ से गए लोगों को सब पूरा पूरा होटल का डाउन दिखाई देगा वो है। तो गाइस अभी चलते हैं, अभी हम ओनली शिट हो रही मेरी मम्मी और मेरे मामा। उप्रेती अंकल आप कहाँ गए थे? उप्रेती अंकल वैसे आप कहाँ गए थे? वैसे यही तो थे हम। नहीं नहीं बताओ ना, दुकान गए थे? हम कला भाजी के ऑफिस में बैठे हैं, अभी हम नीचे से आ रहे हैं। मैंने कहाँ नीचे से कमरे से अपने मैं नहीं मानता क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले आपके कमरे से आ रखा हूँ। तो इनका गाइस इनका पर्दाफाश हो गया है, ये झूठ बोल रहे थे मतलब क्योंकि मैं इनके कहाँ बोल रहे थे हम झूठ? अच्छा अच्छा आपने झूठी बोला क्योंकि मैं आपके रूम में देख के आया हूँ साफ साफ। देखा नहीं मेरे को, मैं कुर्सी के पीछे सुपर हूँ। चुप रहो, झूठे झूठे एक नंबर के झूठे। सच में सच में मैं नहीं मानता। बाय, हैव अ नाइस टाइम। चलो गाइस चलते हैं बाहर और थोड़ा थोड़ी देर बाद आपके साथ मिलते हैं हम फिर से। लेट्स गो फिर से। चलो गाइस अभी अभी गाड़ी में बैठो। गाड़ी में? अरे ये गाड़ी खड़ी, मैं ड्राइव करूंगा पीछे वाली सीट पे। चलो ओके। तो गाइस तो अभी हम क्या कहते हैं दवाई लेने जा रहे हैं, तो अभी सामने को देखिए जरा सी, देखते रहिए बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं अभी हम, हमारे साथ बने रहिए आप। हम कौन सी दवाई लेने जा रहे हैं? अब दवाई का नाम तो पता नहीं, वो डॉक्टर ने लिखा, डॉक्टर की स्पेलिंग तो समझ ही नहीं आती मुझे। वाव नाइस, शायद कोई कोई हो। अगर मैं डॉक्टर होता तो शायद पहचान लेता उन्होंने मेडिसिन के बारे में लिखा है। मैं शायद कोई बीपी की वो होगी मेडिसिन, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने कहा था कि हम अभी शायद बीपी की दवाई लेने जा रहे हैं। मेरी मम्मी को शायद बीपी लो हो गया मेरी मम्मी का। तो अभी तो गाइस अभी हम कुछ नहीं कर सकते और अभी हम जाएंगे मेडिकल स्टोर। आगे को बढ़ते बढ़ते आप हमारे साथ बने रहिए जर्नी मैन में। और हाँ गाइस एक और बात कहनी थी गाइस, जरूर से जाके बिग पॉकेट गेमर चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, वो मेरा चैनल है, प्लीज जाके कर देना। तो अभी आपको आगे का सीन बाद में दिखाएंगे, तब तक थोड़ी हम दोनों हम सब गपशप कर लेते हैं क्या जा रहा है। हाल चाल तो सबके ठीक ही होते होंगे कोरोना वायरस के अंदर। तो कोरोना में आपके हाल चाल कैसे चल रहे? वैसे हाल भूल गए थे। हाँ बस ये पूछना भूल गया था, कोरोना में सबके हालचाल कैसे हैं? और मैंने सुना कि 9th to 12th क्लास के लोगों का क्या कहते हैं स्कूल स्टार्ट हो गया है, और मैंने आज न्यूज में भी देखा। और पे और कुछ पाकिस्तानी थे, वो कौन थे, उन्होंने कुछ कब्जा कर लिया मैंने सुना है। अच्छा ये बताओ तुम क्या चाहते हो, स्कूल तुम्हारे जल्दी खुलने चाहिए नहीं खुलने चाहिए? कैमरा ठीक करो पहले। पता नहीं वो देखा जाएगा क्योंकि रहने चाहिए स्कूल अभी अभी शायद थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फिर ट्यूशन का भी वर्क करो, स्कूल का भी वर्क स्कूल का भी वर्क करो। वर्क करते करते भाई मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं इतना भी वर्क नहीं कर सकता, मैं इतना भी महान नहीं हूँ। बाय। मतलब
और सबके हाल चाल तो सही चल रहा है। मैंने सुना है कि कुछ कुछ लोग लॉकडाउन की वजह से बहुत खुश है, मतलब बच्चा पार्टी बहुत खुश है कि स्कूल बंद है। तुम्हें क्या लगता है स्कूल जल्दी खुलने चाहिए नहीं खुलने चाहिए? वैसे खुलने तो चाहिए। रुको यार मेरा हाथ दुख गया। अभी हम मेडिकल स्टोर जाएंगे, पता चला। और हाँ, मेडिकल स्टोर में भी वो हो सकती है संभावना कोरोना की है, तो देखते हैं सोशल डिस्टेंस का पालन कैसा चल रहा है। अगर सोशल डिस्टेंस मैंने गलत बोल दिया तो कमेंट में जाके बता देना गाइस। तो अभी हम कहाँ को जाएंगे आगे को? और बस पहुँचने वाले हैं, अब हमें मोड़ लेनी है शायद एक है। और गाइस जैसे ही हम मोड़ लेंगे वैसे ही शायद हम बहुत करीब होंगे मेडिकल स्टोर के। और मेडिकल स्टोर आपको पता ही है कितना वो होता है बोरिंग। अभी हम मेडिकल स्टोर पहुंच चुके हैं, मेरे मामा आगे को है। और गाइस अभी हम आपको दिखाएंगे कि मेडिकल स्टोर कैसा होता है। वैसे आपने बहुत सबने देखा होगा गाइस, मैं क्या कह रहा हूँ। वैसे कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो नहीं जाते, उनकी मम्मी पापा चले जाते हैं। लेकिन ये मेडिकल स्टोर छोटे हैं, तीन तीन मेडिकल स्टोर है एक साथ। चलो गाइस देखते हैं अभी मेडिकल स्टोर। पहला गाइस वो पहला जो मेडिकल स्टोर है वो थोड़ा छोटा है, फिर थोड़ा बड़ा, फिर वो और छोटा। गाइस ये सेकंड वाला बहुत बढ़िया है, थर्ड वाला और बढ़िया है। हाँ गाइस तो ये रहा मेडिकल स्टोर। और आ रहा है यहाँ से मेरे मामा, और मामा आते हुए यहाँ पे उन्होंने गाड़ी खोल ली। ओके गाइस तो अभी हम आपको आगे का सीन नहीं दिखा पाए। गाइस अभी हम आपको दिखाएंगे सीन आगे का, तो नहीं गाइस अभी हम आपसे मिलते हैं रोड में, लेट्स गो। गाइस अभी हम वो कहते हैं इंजेक्शन वाली दवाई लिए थे गाइस, ये रहा वो इंजेक्शन 10 ml की है गाइस। मुझे वैसे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता था गाइस, मैंने अगर पढ़ना आता गाइस इसका बता देता सब कुछ। हाँ तो गाइस अभी हम आपको आगे का सीन दिखाएंगे गाइस। मैंने ये इसलिए पकड़ी है कि ये टूट ना जाए, अगर टूट गई तो भाई पापा मुझे नहीं छोड़ेंगे गाइस। तब तो हम आगे को चलते हैं, चलते चलते थोड़ी बहुत और भी बातें कर लेंगे हम आपसे। और वैसे आपके कोई भाई भाई लोग भी है क्या? मतलब कि बड़े बड़े? हाँ बड़े, वो मेरे भाई जैसे नहीं होने चाहिए, मैं बता दूंगा आपको। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि भाई मेरे तो मुझसे इतना काम कराते हैं ना, पूरे 24 घंटे काम। नहीं भाई, जितना दिन मिलेगा उतना दिन काम कराते रहेंगे मुझसे। 24 घंटे काम करवाते, सोने भी नहीं देते, खाने भी नहीं देते? भाई खाना खाऊंगा, जरा पानी ले आ, वहाँ जरा वो का, वहाँ जरा वो का, बस बड़े होने का फायदा उठाते हैं। ये तो बहुत गलत बात है ना। बस मेरे तक के पास तक ये वीडियो नहीं पहुँचनी चाहिए, वरना मैं तो गया। और क्या? तो आपको अपना बच्चा पार्टी का ग्रुप बनाना चाहिए, जितने भी छोटे बच्चे हैं अपने साथ रखना चाहिए। ग्रुप कितनी बार ग्रुप बना लिया है, वादे के साथ बड़े बड़े लोग रहते हैं। अच्छा उनका बड़ा ग्रुप है, तुम्हारा छोटा ग्रुप है, छोटे बच्चों का है। हम गाइस बिग पॉकेट गेमर ने भी अपनी दो वीडियोस भेजी है व्लॉग की, बस तीसरी वीडियो भी भेजेगा वो गाइस, क्योंकि वो मैं हूँ, क्या कर सकते हैं। तो जल्दी से आप सब लोग बिग पॉकेट गेमर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इनकी इनसे जुड़े रहिए और इनके वीडियो देखते रहिए। गाइस अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो गाइस प्लीज कमेंट में जाके बता देना वीडियो अच्छी लगी होगी तो। हाँ तो गाइस अभी हम थोड़ी देर बाद आपको आगे का भी सीन दिखाएंगे। क्या कर सकते हैं।
क्या आपको क्या अच्छा लगता है? हॉबीज क्या है आपकी? उनके हॉबीज के बारे में ये पूछेंगे और आगे चलते रहिए हमारे साथ। अभी एक दुकान आई थी वो है। ओके गाइस, चलिए होटल में पहुँच कर आप लोगों से मिलते हैं। हाँ तो गाइस, अभी मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ। गाइस तो वेलकम टू व्लॉग। तो गाइस आज हम व्लॉग में अभी हम गाइस जा रहे हैं अपने ट्यूशन। फिर गाइस जैसे ही हम ट्यूशन से आ जाएंगे फिर आपसे मिलेंगे। तब तक गाइस हम थोड़ा आगे को चलते हैं गाइस आगे को। और ट्यूशन जाते समय मैंने सोचा मैंने और मेरे मामा ने कि हम दोनों मिलकर एक व्लॉग बना लेते हैं, अच्छा हो जाएगा है। और किसी के बाल दिख रहे होंगे गाइस आपको अभी पीछे को हल्के से। वो लड़का जरा कैमरा शाही है, कैमरे के आगे से शर्म लगती है। हाँ, ओके गाइस, तो थोड़ा हम आगे को चलेंगे। रुको गाइस, हमें मुझे मामा से कुछ पूछना है इसलिए 2 मिनट रुको। हाँ तो गाइस, मैं बोला कि एक बात कर रहा था गाइस, आपको बता भी देता क्यों, क्या होता कुछ नहीं होता है। तो गाइस अभी हम थोड़ा और आगे को जाएंगे फिर अपने ट्यूशन को पहुँच जाएंगे और फिर हम जैसे ही चले जाएंगे गाइस फिर आएंगे फिर और फिर अब मिलेंगे फिर से। तो गाइस इस व्लॉग को अभी यहीं खत्म करते हैं। तो गाइस इस व्लॉग को हम अभी यहीं खत्म करते हैं और वेट करते हैं इनका ट्यूशन से आने का। जब ये ट्यूशन से आएगा फिर नया व्लॉग बनाकर आपको दिखाते हैं। ये देखिए अपने मामा जी, जर्नी में इनको लाइक कीजिएगा।